सही है। साड़ी जो इलेक्शन दी प्रिपरेशन है दैट इज एट द फाइनल स्टेजेस। मेरे नाल SPNO साड़ी स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर फारूकी साहब हैं, ते साड़ी जो जिन्हें भी टीम्स है CEO ऑफिस सारे टीम्स है। ते आज जो साड़ी प्रिपरेशन दे संबंधी कुछ ब्रीफ डिटेल्स है वो पहले सांझी करांगे, उस तो बाद तो कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। साड़ी जो टोटल वोटर्स है वो 2,14,00,000 है, उदे विचों मेल वोटर्स 1,12,00,000 है, फीमेल 1,01,00,000 के आसपास है, थर्ड जेंडर 700 के आसपास है, 750, PWD 1,50,000 के आसपास है, NRI वोटर्स जो है 1,600 के आसपास है, 18 to 19 जो नवी वोटर्स है वो 5,88,000 है, 2019 दे बीच कंपेयर टू 2019 लोकसभा इलेक्शन ये काफ़ी वध गया है। साड़ी कोशिश है कि 18 to 19 वोटर्स नू जो नवी वोटर्स हैं उन्हें एनरोलमेंट बधाया जाए। तो 2019 दे बीच अप्रोक्सीमेटली 3,96,000 सीगा, हुण वो वध के 5,88,000 हो चुके हैं। 85+ वोटर्स साड़ी हुण 1,90,000 के आसपास हैं, सर्विस वोटर्स 1,05,000 दी है। सारी डिटेल्स तो जो जो डाटा है वो तो सारे सप्लाई की जाएगी। टोटल वोटर्स 2019 के 2,07,00,000 सीगा, हुण वो वध के 2,14,00,000 हो गया, मतलब 7,00,000 वोटर्स की इंक्रीज है कंपेयर टू 2019 इलेक्शन। वोटर टर्नआउट 2004 के 62% सीगा, 2009 के 70% सी, 2014 के 70% सीगा, हुण 2019 के 65% सीगा विच इज लैस दैन नैशनल एवरेज। तो 2024 की साड़ी टारगेट है 70+। 24,451 पोलिंग स्टेशन है, 14,676 साड़ी लोकेशन है, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन ये 5,694 है। असी 100% वेबकास्टिंग कर रहे हैं, उसके अलावा कई जगह पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगा रहे, इट इज 6,668, मतलब 6,000 के आसपास, मतलब अराउंड 6,600 के आसपास माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगा रहे हैं। मॉडल पोलिंग स्टेशन साड़ी जो एक कोशिश है कि पोलिंग स्टेशन दे विच भी कुछ वैरायटीज लाए जावे, इनोवेशंस लाए जावे। तो मॉडल पोलिंग स्टेशन साड़ी 1076 है, 1076 ग्रीन पोलिंग स्टेशन 115 है, पिंक पोलिंग स्टेशन जो ओल्ड वुमन पोलिंग स्टेशन है 165 है, यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन 99 है, PWD मैनेज पोलिंग स्टेशन 101 है। इस तो अलावा सारे जिन्हें भी साड़ी पोलिंग स्टेशन है उन्हें सारे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है, रैंप वगैरह है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्नीचर्स हैं। इस तरह की कुछ क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन दी, वो 2 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए विद द वोटर्स, 2 किलोमीटर तो वह ट्रैवल नहीं करना चाहिए, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस है। तो वो सारे 100% असी फुलफिल कर रहे हैं। उस तो अलावा लॉजिस्टिक साड़ी अरेंजमेंट दे विच पोलिंग स्टाफ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पोलिंग स्टेशन पोलिंग स्टाफ साढ़े को 1,20,000 असी लगाया है, सिक्योरिटी परसनल बेसिकली पुलिस प्लस CIPF प्लस होमगार्ड ये अप्रोक्सीमेटली 70,000 के आसपास साढ़े को सिक्योरिटी परसनल असी लगाया है। सपोर्टिंग स्टाफ लाइक माइक्रो ऑब्जर्वर्स, BLO, सेक्टर ऑफिसर्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स ये सारे मिला के 50,000 के आसपास है। DOCO स्टाफ और जितने भी साड़ी पुलिस का भी हेड स्टाफ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 25,150 है। तो टोटल साड़ी पर्सनल है जो इलेक्शन दे विच टोटल स्टेट दे विच लगी है दैट इज अराउंड 2,60,000 है। और असी अप्रोक्सीमेटली व्हीकल्स जो यूज कर रहे दैट इज अराउंड 10,000 व्हीकल्स असी यूज कर रहे हैं। ये सारे GPS मॉनिटर्ड व्हीकल्स हैं। और सीशर्स जो साड़ी जो 16 मार्च में जो इलेक्शन अनाउंस हुई सी उस तो बाद साड़ी जो टीम्स है फ्लाइंग स्क्वाड स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स वगैरह 24/7 असी मॉनिटर कर रहे, पुलिस का भी और उदे विच एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी लगता है और तुसी साड़े कंट्रोल रूम दे विच उहदी फीड आ जाती है साड़े को, ते असी लगातार मॉनिटर कर रहे। तो सीशर्स साड़े को अजे तक 800 करोड़ क्रॉस कर चुकी है कल शाम तक,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗਸ 716 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਲਿਕਰ ਅਰਾਊਂਡ 267 ਕਰੋੜ, ਕੈਸ਼ 26 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਮੈਟਲਸ 23 ਕਰੋੜ, फ्रीबीज जो है 7 करोड़। ये टोटल जो कंपेयर टू पिछले 2 साल लोकसभा इलेक्शन दे विच सिर्फ 284 करोड़ से हूँ वो बद के 800 करोड़ हो चुकी है, मतलब 4 गुना वधाई है। तो कंप्लेंट्स जो साढ़े को अजे तक आए हैं, वक्रे वक्रे सिस्टम है साड़ी, एक तो सी विजिल है जो एमसीसी वायलेशन मॉनिटर करता है, दैट इज 10,000 कंप्लेंट अजे तक आए हैं, और 100 अराउंड 99% असी उसकी रेसोल्यूशन कर चुके हैं और विद इन टाइम कर चुके हैं। 100 मिनट की साड़ी जो टारगेट है वो असी ऑलरेडी कर चुके हैं। एनजीएसपी पोर्टल है साड़ी कंप्लेंट्स मॉनिटर वास्ते, ऑनलाइन पोर्टल है, उसके पीछे 1200 के आसपास कंप्लेंट है, और अदर कंप्लेंट थ्रू मेल और साढ़े को हार्ड कॉपी भी आ जाती है, वो दैट इज अराउंड 2500। इस तरह की टोटल साढ़े को 14,643 कंप्लेंट ऑलरेडी आ चुकी है, असं ऑलरेडी 99% 14,643 तो वो कार्रवाई है, असं ऑलरेडी 99% कर चुके, कुछ अंडर प्रोसेस भी है। टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, असी इलेक्शन कमीशन की टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव तुम्हें पता ही है, सी विजिल भी है, साक्षम ऐप है, वक्रे वक्रे टाइप है, वाटर हेल्पलाइन ऐप है, इस तरह की काफ़ी है उन्हों की इनिशिएटिव। उस तो अलावा साढ़े वालों जो सीईओ ऑफिस वालों एक पोल एक्टिविटी मोनिटरिंग सिस्टम असी किया है, ये वाटर टैंड आउट है नाल दी नाल साढ़े को इतने कंट्रोल रूम च आ जाती है, तो GPS साड़ी सारी जो जिन्हें भी व्हीकल्स है वो GPS असी मोनिटर करते हैं, वो भी लगाए हुए हैं। क्यू इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, हूँ असी लेटेस्ट जो है इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि लोगों को एग्जैक्टली क्यू दे विच किन्ने बंदे खड़े है उसके बारे डिटेल पता चले। ये 3-4 है। उस तो अलावा पुलिस की तरफ से भी, सर की तरफ से भी एक और इनिशिएटिव पेट्रोलिंग पार्टी की जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग है वो भी असी सर भी एक्सप्लेन करेंगे। काउंटिंग डिटेल्स तुहानू पता ही है कि साड़ी जो काउंटिंग होनी है 117 साड़ी असेंबली सैगमेंट्स है, उहदे विच हर एक सेंटर दे विच एक काउंटिंग सेंटर होंदी है, वो टोटल बिल्डिंग्स है 48 ते लोकेशन 24 लोकेशन दे विच 3 डिस्ट्रिक्ट दे विच जो है ये काउंटिंग होनी है। ते काउंटिंग 4 जून नू है, साड़ी जो जिन्हें भी प्रिपरेशन है वो भी ऑलमोस्ट 80-90% मुकम्मल हो चुकी है। वाटर फैसिलिटेशन वास्ते असी, क्योंकि तुहानू पता ही है हीट वेव का इशू है, तो हीट वेव करके लोगों ने एक तो होम वोटिंग का असी प्रावधान किया जो 85+ वोटर्स है और PWD वोटर्स है, वह डिटेल में आगे आ रहा हूँ। कुछ जो पोलिंग स्टाफ है या पुलिस स्टाफ है जो इलेक्शन के लगी है उन्होंने लिए EDC पोस्टल बैलेट का भी प्रावधान की है। अल्फाबेटिकल वोटर रोल वोटर पोलिंग स्टेशन से अवेलेबल होंगे, BLO के कोल होंगे। वोटर गाइड असी, वोटर गाइड और वोटर स्लिप असी डिस्ट्रीब्यूट सारे जो है 99% असी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं लोगों नू, वोटर्स नू। ते उस तो अलावा पोलिंग स्टेशन के उत्ते काफ़ी हीट वेव नू निजिठण दे लई असी काफ़ी प्रबंध की हुई है, शेड का प्रबंध किया है, पानी का छबील का प्रबंध किया है, और वॉलंटियर्स व्हीलचेयर्स और मेडिकल किट, आशा वर्कर्स, क्लीन टॉयलेट्स, पानी, रस्टिंग एरिया, ये सारे प्रबंध असी उत्ते पोलिंग स्टेशन ते कीता है। ते असी सारे अपने वोटर्स नू वेट कर रहे हैं, और यही थोड़ा सा जो डाटा है बेसिकली, तो साड़ी ये टारगेट है कि इस बार 70% वोटिंग नू क्रॉस कीती जावे। ते मेरे वालों तुहाडे राही सारे वोटर्स नू यही बेनती है कि वो 1 जून नू 7 बजे तो लेके 6 बजे तक साढ़े वोटिंग होनी है, उहदे विच डेफिनेटली पोलिंग स्टेशन ते जाओ, वोट तुहाडी ताकत है, उसनू जरूर इस्तेमाल करो, और साड़ी जो वोटिंग परसेंटेज है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी नी चंगी तरह से मनाओ, यही मेरी संदेश है। थैंक यू। क्वेश्चंस मैं नोट करूंगा, तुसी जो भी पूछना चाहते एक एक करके पूछ लेना, फिर इकट्ठा मैं रिप्लाई दे। ਨਕੋਦਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ ਸੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ FIR ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ?
इसमें क्या रियल टाइम हमारे पास वोटर टर्न आउट आएगा या कुछ टाइम का उसमें गैप होगा? ठीक है, चलो वेल आई विल आंसर। एक तो होम वोटिंग का डिटेल जो है, जिस तरह मैंने बताया कि 85 प्लस सर्डी जो वोटर्स है, दैट इज अराउंड, एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, 85 प्लस वोटर्स जो है, दैट इज 189,855 है, दैट इज मीन्स 190,000 के आसपास है 85 प्लस वोटर्स। और पीडब्ल्यूडी वोटर्स था 1,58,000, तो दोनों मिला के, मतलब 2 लाख प्लस 1.5 लाख मिला के 3.5 लाख के आसपास वोटर्स था जो जिनकी एलिजिबिलिटी बनता था कि वो होम वोटिंग कर पाए। तो हमने सारे जो फॉर्म्स हैं उनको दिया है, पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म्स होता है वो हमने सप्लाई किया था। उसमें से जो कंसर्न्ड रिसीव हमें हुआ था 85 प्लस वोटर्स का 9,239, पीडब्ल्यूडी का 85 प्लस वोटर्स की जो कंसर्न रिसीव हुआ था दैट इज 9,239, पीडब्ल्यूडी वोटर्स का 4,530। इस तरह की टोटल जो 13,769 वोटर्स जो है कंसर्न दिया था, उसमें से 12,843 वोटर्स है वो ऑलरेडी वोट कर चुके हैं, मतलब 13,769 में से 12,843 वोट कर चुके हैं होम वोटिंग। दिस इज द लेटेस्ट डेटा टिल यस्टरडे। नेक्स्ट द क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन वल्नरेबिलिटी। देखो सड़ी जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग द एक्सरसाइज 6 महीने चलता है, एंड उसमें से हम वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई करता है और उसके अलावा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन भी आइडेंटिफाई करता है। तो हमारी जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, दैट इज बेसिकली 5,694 जो है, उसमें लोकेशंस भी अलग अलग होते हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस बेसिकली, कि उसमें ही हम डिप्लॉयमेंट नॉर्म्स जो है वो फॉलो करता है। तो डिप्लॉयमेंट नॉर्म्स में क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में तो कम से कम CAPF लगना चाहिए, कुछ जगह पे वेबकास्टिंग होना चाहिए या माइक्रो ऑब्जर्वर होना चाहिए, इस तरह की क्राइटेरिया। तो हमने जितने भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में ऑलमोस्ट सारे ये जो है पैरामीटर्स है वो हमने लगाया हुआ। जलंधर की जो लिकर है कल पकड़ा था, उसमें सारे FIR दर्ज कर चुके हैं, उसकी जो लिंग एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आगे चलता रहेगा, बट अभी तक तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वी विल बी बेसिकली टेकिंग ऑल दिस, आगे जो कार्रवाई लीगल कार्रवाई है वो चलता रहेगा उसमें। किस पार्टी का सब कुछ है? हमें अभी तक पार्टी कोई लिंक पता नहीं है, कोई डिटेल नहीं है आइडिया। FIR किसके अगेंस्ट हुई? जो कंसर्न्ड बंदे के अगेंस्ट हुआ हुआ, मुझे पूरा डिटेल नहीं है, बट जो भी डिटेल आएगा वी विल शेयर विद यू थ्रू प्रेस नोट। जो कंप्लाइंस की जो डिटेल्स मैंने बताया है, उसमें से MCMC का जो भी वायलेशन होता है तो दो टाइप के होता है, एक तो इलेक्ट्रल, यू कैन से देयर आर टू टाइप ऑफ वायलेशंस बेसिकली, वायलेशन यू कैन से कि वन इज करप्ट प्रैक्टिसेस, कुछ को होता है इलेक्ट्रल ऑफेंसेस। जहां भी इलेक्ट्रल ऑफेंसेस होता है उसमें FIR दर्ज करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रल ऑफेंसेस होता है वो हम कमीशन को रिपोर्ट करते हैं, कमीशन उसमें आगे कार्रवाई करते हैं। तो काफ़ी जो कंप्लेंट्स है उसमें ऑलरेडी कमीशन ने वार्निंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये है, इसमें कुछ केसेस में FIR दर्ज कर चुके हैं, कुछ केसेस में जो सीशस वगैरह होता है उसमें से डेफिनेटली FIR दर्ज कर चुके हैं। तो एग्जैक्ट डिटेल है, नंबर वगैरह वी विल शेयर विद यू डिटेल आफ्टर द पोलिंग। EVM की जो डिटेल्स है, आपको पता है 24,451 पोलिंग स्टेशन है सारी, तो उसमें से सारे जो 100% जो है, एक तो EVM तो है ही है, मतलब 24,451 पोलिंग EVMs हम यूज़ करते हैं, उसमें से
CUBU 120% रिजर्व भी यूज करते हैं, VVPAT हम 130% रिजर्व का यूज करते हैं। और इस बार कहीं PC में कई जगह पे हमें दो दो BU यूज कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ 13 PC एक लुधियाना PC में हम 3 BU यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 43 कैंडिडेट है। उसके अलावा एक जो PC है फतेहगढ़ साहब, उसमें से सिर्फ हम एक BU यूज कर रहे हैं। उसके अलावा 12 जो PCs है वो सारे, सॉरी 11 जो PCs है वो सारे 11 PCs में हम दो दो BU यूज कर रहे हैं। इस तरह की जो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो हम बैलेटिंग यूनिट उसी हिसाब से नंबर बढ़ते रहते हैं। बट देर विल बी 1 CU एंड 1 VVPAT इन ऑल दी पोलिंग स्टेशन। कुछ जो ऐप का वाटर टर्नआउट ऐप वगैरह के लिए डिटेल पूछा था, बेसिकली हमारे जो वाटर टर्नआउट ऐप इलेक्शन कमीशन का है, हमारा पोल एक्टिविटीज मॉनिटरिंग सिस्टम है जहाँ पे हमें डिटेल कंट्रोल रूम यहाँ पे मिलता है, डिस्ट्रिक्ट को भी मिलता है, ARO को भी मिलता है। जब भी हम इंफॉर्मेशन वाटर टर्नआउट की हमारे पास आ जाते हैं तो वी विल शेयर विद यू थ्रू प्रेस नोट अवर दिस इज देयर, तो इमीडिएटली वी कैन विल गेट सेकेंड बाई सेकेंड वाटर टर्नआउट। वाटर टर्नआउट ऐप जो कमीशन का है दैट इज 2 घंटे के हिसाब से आता है, 9 बजे 11 बजे, बट आपको हम सेकेंड बाय सेकेंड दे सकते हैं, क्योंकि वी विल गेट ऑल द पोल एक्टिविटीज थ्रू पोल एक्टिविटीज मॉनिटरिंग सिस्टम, वी विल गेट ऑनलाइन, मतलब इट इज सेकेंड बाय सेकेंड वाटर डिटेल्स, तो वी विल बी एबल टू गिव यू। सो दीस आर द क्वेश्चंस, थैंक यू। एंड सर, सर मीडिया को लेकर सर एक कंफ्यूजन है, गाइडलाइन क्या है कि चोर प्रचार खत्म हो गया है, अब जो कैंडिडेट है या उनके चोर लीडर है उनके इंटरव्यू चला सकते हैं या उनकी बाइट चल सकती है, या इंटरव्यू की कोई लिमिटेशन है कि इतनी इतनी देर से ज्यादा नहीं चला सकते? फॉर एनी अदर देयर बी एनी पिकअप फैसिलिटी फॉर जो हैंडीकैप वगैरह? सर एक ट्रांसफर वैसे तो 50,000 से ज्यादा ले नहीं सकते, पर जो डिजिटल ट्रांसफर है उस पर भी कोई चेकआउट रखा जा रहा है, और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके रहने का, खास करके महिलाएं में ज्यादा होती हैं, तो शिकायत आती है कि रहने का इंतजाम और खाने का, इसलिए पोलिंग एजेंट और पोलिंग स्टाफ ओके राइट। सो फर्स्ट इज लाइक मीडिया की जो इंटरव्यू चलता है, बेसिक जो साड़ी इंस्ट्रक्शन है दैट इज बेसिकली फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक क्रिएटिव्स जो है, सो जो रूटीन से चलता है, लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट जो रूटीन से पोस्टिंग करता है, किसी का पोस्टिंग नॉर्मल जो करता है, दैट इज नॉट कवर्ड। जो वो थ्रू फंडिंग और दो तो सम मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन क्रिएटिव, लाइक जो वीडियो बना के अपलोड करता है उसमें से पाबंदी है, तो दे कैन डू इट। इंटरव्यू वास्ते देर इज़ नो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, सो इट वाज पहले भी जब भी जितने भी फेसेस थे वहाँ उसमें भी इंटरव्यू का जो है वो चलता था, वो चलता था, तो देर इज़ नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था, सक्षम ऐप है साड़ी, तो उसमें से PWD या 85+ वोटर्स जो भी है वो अपने कोई इन केस वो होम वोटिंग नहीं कर पाए तो दे कैन बेसिकली चूज पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, उनको वॉलंटियर्स भी चूज कर सकते हैं, सो वी विल प्रोवाइड वॉलंटियर्स ऑल्सो, व्हील चेयर चाहिए उनको वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर हमने बैंक्स के साथ टाई अप किया हुआ, इन केस कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इमीडिएटली हमें पता चल जाता है। पोलिंग स्टाफ की रहने के लिए हमने काफ़ी फैसिलिटीज बिकॉज ऑफ हीट वेव एंड अदर थिंग हमने इस बार अरेंजमेंट किया हुआ है, उनको खाने का भी प्रबंध किया हुआ है, उनका मिड डे मील वर्कर्स को भी हमने पेमेंट कर रहे हैं, आशा वर्कर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स जो क्रश वगैरह लगाते हैं पोलिंग स्टेशन उनको भी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पोलिंग स्टाफ के रहने के भी इंतजाम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में DCs की तरफ से कर चुके। एंड टोटल सिक्योरिटी बेसिकली आई ऑलरेडी टोल्ड यू देर आर 70,000 सिक्योरिटी पर्सनल इज डिप्लॉयड विच इंक्लूड CAPF, स्टेट पुलिस, SAP प्लस होम गार्ड्स। ठीक है, थैंक यू। सर लेट हिम एक्सप्लेन समथिंग। वेलकम टू ऑल, इनफैक्ट एवरीथिंग ही हैज डिस्क्राइब्ड
बट आई जस्ट वॉन्टेड टू इंश्योर कि जो पुलिस का अरेंजमेंट है इन द एंटायर स्टेट, वी आर कमिटेड फॉर द फ्री एंड फेयर पोल, एंड जितनी भी मैंडेटरी लोकेशंस जिसके ऊपर डिप्लॉयमेंट होना था उसके अलावा पुलिस ने तकरीबन हर ज़िले के अंदर एडिशनल 3 से 4 रिजर्व्स रखी हुई हैं जो कहीं पर भी किसी सिचुएशन के अंदर रिएक्ट करेंगी। इसके अलावा हर पुलिस स्टेशन के अंदर 3 कम से कम 3 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं जो डेडिकेटेड है पोलिंग स्टेशंस को कवर करेंगी। इसके अलावा SHOs एंड DSPs भी इसके अंदर मूवमेंट में रहेंगे। टोटल जो आपने इसके अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्क प्लान बनाया हुआ है इसके अंदर वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2098 जोन्स में हमने इसको रूट जोन में बांटा हुआ है जिसके अंदर सेक्टर ऑफिसर्स लगाए गए हैं और उनके साथ एक पेट्रोलिंग पार्टी साथ में होगी जो रिजर्व के तौर पे होगी ताकि वो उस रास्ते में या उस एरिया में जो पोलिंग स्टेशन का एरिया है उसमें अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो दे कैन रिएक्ट। इसके अलावा हमारे बेसिकली कम्युनिकेशन प्लान जो है वायरलेस सेट तकरीबन 12,000 वायरलेस सेट्स हमने इसमें लगाए हुए हैं और एक बड़ा इलैबोरेट अरेंजमेंट हमने किया हुआ है जिसमें हर एरिया में वायरलेस से कनेक्टिविटी है तो द इंटायर स्टेट इज कवर्ड। हमारी इसमें जो हिल्स के साथ लगते हुए एरियाज है उसमें दे आर 102 शेडो एरियाज वेयर वी आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके लिए हमने दूसरे और अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। इसके अलावा 205 इंटर स्टेट नाके हमने लगाए हैं जिसमें स्टेट का मिरर इमेज मिरर नाके भी लगाए हैं जो भी हमारी साथ पढ़ने वाली जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें उनके साथ हमारा इन टैंडम नाके लगे हैं। तो 205 नाकों में वो स्टेट्स भी अपने नाके लगा रही हैं और हम भी अपने नाके लगा रहे हैं सो दैट द बोथ ऑफ द साइड शुड बी कवर्ड प्रॉपरली। जैसे जब हरियाणा में इलेक्शन था तो उस वक्त में हमने उनके साथ इन टैंडम नाके लगाए थे तो उसी तरीके से वो हम जब यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है तो वो इसमें साथ में हमारे नाके लगाएंगे। जो रिकवरीज के बारे में आपको बता दिया गया है, काउंटिंग सेंटर्स के बारे में बता दिया गया है, बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हमने लिया था कि जितनी भी पेट्रोलिंग पार्टीज एक एरिया के अंदर मूव कर रही होती थी तो पिछले तजर्बे ये थे कि जब कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती थी और इन्फॉर्मेशन आती थी कि पेट्रोलिंग पार्टी को वहाँ पर मूव कराया जाए तो वी वर नॉट इन अ मेनी टाइम्स लोगों की ये कंप्लेंट लगातार आ रही होती थी कि पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ नहीं पहुँची है और हमारी पेट्रोलिंग पार्टी ये कह रही होती थी कि वो वहाँ पर पहुँच गए हैं तो देर वॉज अ कम्युनिकेशन गैप काइंड ऑफ थिंग। तो उससे निपटने के लिए हमने इस बार एक विजुअल अरेंजमेंट किया है जिसमें हमने सारे जितने टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं उनको मैप के ऊपर प्लॉट कर दिया है। ऑल 24,000 पोलिंग स्टेशन जो है वो उसके ऊपर प्लॉट रहेंगे और उसके हमने जियो फेंसिंग की है। हर पुलिस स्टेशन के अंदर जो 3 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं उनकी जियो फेंसिंग की है और हर एक पेट्रोलिंग पार्टी को एक टैब दिया है जिसके थ्रू वो इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगे और हम विजिबली देख सकते हैं नेट के ऊपर अपने पाम टॉप पे या लैपटॉप पे उसको देख सकते हैं कि उनकी मूवमेंट कहाँ हो रही है। और जब उन पोलिंग जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज हैं उनको अगर उस को हम टैप करेंगे तो उसमें इंचार्जेस के मोबाइल नंबर और डिटेल आ जाती है तो जो ऑफिसर कंसर्न है ही कैन इवन गिव अ कॉल टू द मोबाइल कॉल टू दैट पेट्रोलिंग पार्टी और इसके अलावा कम्युनिकेशन जो वायरलेस सेट के थ्रू भी उनको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट कि इसमें जो फ्री एंड फेयर पोल इंश्योर किया जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आने पाए। थैंक यू। पैरामिलिट्री लगी हुई है 295 पैरामिलिट्री कोई करना
नहीं देखो वोटिंग का जो जो सीक्रेसी है वो वायलेट नहीं करना है बेसिकली। उसके अलावा आपको पासेस इश्यू किया हुआ है वो बेसिकली ये कि यू कैन टेक ए शॉट फ्रॉम आउटसाइड बेसिकली फ्रॉम दी डोर। तो उसके अलावा फिर आगे जाओगे तो फिर देयर इज अ चांस ऑफ सीक्रेसी वायलेशन ऑफ सीक्रेसी है। फिर वो ही बंदा जो वोट कर रहा है ही विल आल्सो बी इन ट्रबल। दैट्स व्हाई इट इज थैंक यू जो रिकवरीज है दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेल यू दैट वी आर द थर्ड इन इंडिया दैट द अनप्रेसिडेंटेड रिकवरीज वी हैव मेड। आपको बता चुके हैं दैट इज जो हेरोइन है कैश है एंड ऑल मतलब इलिसिट लिकर है लिकर जो है लान है एवरीथिंग एंड फ्रॉम द 16 मार्च इट वाज अ लॉन्ग ऑर्डील फॉर अस बट वी कुड सक्सेसफुली कंट्रोल दैट विनास। नहीं अभी राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग दैट डिटेल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन तो वील ब्रीफ यू अकॉर्डिंगली। वन इज गुजरात जहां पर एक बड़ा सीजर हुआ था जो कोस्टल कोस्ट गार्ड ने किया था और एक राजस्थान थी जहां पर बीएसएफ ने कोई रिकवरी करी हुई पर जो हमारी रिकवरी है वो स्कैटर्ड है एंड फ्रॉम 16th ऑनवर्ड वी हैव डन इट सो क्यूमुलेटिवली यू कैन से दैट नॉट इज नॉट अ सिंगल सीजर दैट इज अ क्यूमुलेटिव सीजर एंड दैट वे यू कैन से दैट वी आर द फर्स्ट ऑल्सो। यस इट इज टॉप।